Welcome to VLAN. This is session number 10 on Open Grid Services Infrastructure. The topics we are going to cover in this session are Open Grid Services Infrastructure, then, client side programming patterns, client use of grid service handles and grid service references, grid service and WSDL extensions, then, WSDL extensions and conventions. Service data concept, extending port type with service data, structure of the service data declarations, service data values, then STE aggregation within a port type interface hierarchy. Then there will be dynamic service data elements, then service description and service instance, modeling time in OGSI, grid service handle, factory port type. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन ग्रिड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन ग्रिड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स द फीचर्स दैट आर नीडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ग्रिड एज वेब सर्विसेज। जो ओ है या फिर ओपन ग्रिड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिस्क्राइब करता है फीचर्स को जो कि रिक्वायर्ड हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज के लिए जो कि प्रोवाइड करती हैं ग्रिड को एज ए वेब सर्विसज प्रोवाइड कर रही हैं सो इट हाउ एवर डज नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हालांकि ये जो है इम्प्लीमेंटेशन की पूरी कोई डिटेल्स को प्रोवाइड नहीं करता ओपन ग्रिड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ किसकी प्रोवाइड करता ऑफ ओपन ग्रिड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ग्रिड सर्विसज देन इट प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज ये प्रोवाइड करता है डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज की विच डि ग्रिड सर्विस ग्रिड सर्विसेज को डिफाइन करते हैं नेक्स्ट इज क्लाइंट पैटर्न अब एंड इम्पॉर्टेंट इशू इज हाउ ओ जी एस आई इंटरफेसेस आर लाइकली टू बी इन्वोव फ्रॉम क्लाइंट एप्लीकेशन अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इशू क्या है कि कैसे जो ओ जी एस आई इंटरफेसेस हैं जिनको कि इन्वोव करते हैं क्लाइंट से देन ओ जी एस आई एक्सप्लाइड्स एन इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ द वेब सर्विसिज़ फ्रेमवर्क जो 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 ओ जी एस आई है वो क्या करता है एक इम्पॉर्टेंट कम्पोनेट है वेब सर्विसिज़ फ्रेमवर्क का सो द यूज़ ऑफ डब्ल्यू एस डी एल टू डिस्क्राइब मल्टीपल प्रोटोकॉल बाइंडिंग इसका यूज़ क्या है डब्ल्यू एस डी एल टू डिस्क्राइब मल्टीपल प्रोटोकॉल्स बाइंडिंग मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के उनकी बाइंडिंग को एक्सप्लेन करना डिस्क्राइब करना देन एन कोडिंग स्टाइल्स को डिस्क्राइब करना देन मैसेजिंग स्टाइल्स एंड सो ऑन फॉर ए गिवन वेब सर्विस जो भी वेब सर्विसेज के लिए गिवन है उन सब चीज़ों को ये डिस्क्राइब करता है देन द वेब सर्विसेज इन्वोकेशन फ्रेमवर्क एंड जावा ए पी आई फॉर एक्सएमएल आर पी सी आर अमंग द मेनी एग्जांपल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड दिस कैपेबिलिटी जो वेब सर्विस इन्वोकेशन फ्रॉमवेक होता है और जो जावा ए पी आईज हैं एक्सपेल एक्स एम एल आर के लिए आर अमंग द मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड दिस कैपेसिटी, कैपेसिटी जो इस कैपेसिटी को प्रोवाइड करते हैं देन नेक्स्ट कम्स नेक्स्ट क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग पैटर्न्स कंटिन्यू इनसाइड दिस हेर इज अ क्लाइंट यूज ऑफ ग्रिड सर्विस हैंडल्स एंड ग्रिड सर्विस रेफरेंसेस

कैन बी थोट ऑफ एज ए परमानेंट नेटवर्क पॉइंटर टू ए पर्टिकुलर ग्रिड सर्विस इंस्टांस अब जो ग्रिड सर्विस हैंडल है इसके रिकार्डिंग अगर इनके से हम लोग देखते हैं इट कैन बी थोट ऑफ एज ए परमानेंट नेटवर्क पॉइंटर हम लोग इसको जो है एज ए परमानेंट नेटवर्क पॉइंटर के रिगार्डिंग सोच सकते हैं किसके लिए टू ए पर्टिकुलर ग्रिड सर्विस इंस्टांस जो कि एक पर्टिकुलर ग्रिड सर्विस इंस्टांस के लिए वर्क करता है देन द जी एस आर कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस द सर्विस इंस्टांस जो जी एस आर इसके पास में सारी की सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है जो भी सर्विस इंस्टांस को एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है क्लाइंट गेंस एक्सेस टू ए ग्रिड सर्विस इंस्टांस थ्रू ग्रिड सर्विस हैंडल्स एंड ग्रिड सर्विस रेफरेंसेस सो ए ग्रिड सर्विस हैंडल or gsh can be thought of as a permanent network pointer to a particular grid service instance then the gsr contains all the necessary information to access the service instances then client use of grid service handles and grid service references continue ogsi provides a mechanism the handle resolver to support client resolution of a grid service handle into a grid service reference जो ओजी सही है ये क्या करता है प्रोवाइड्स मैकेनिज्म मैकेनिज्म एक प्रोवाइड करता है क्या है क्या वो द हैंडल रिजोल्वर है वो उसका काम क्या है टू सपोर्ट क्लाइंट रेजोल्यूशन क्लाइंट रेजोल्यूशन है उसको सपोर्ट करना किसके क्लाइंट रेजोल्यूशन को ऑफ ए ग्रिड सर्विस हैंडल इन टू ए ग्रिड सर्विस रेफरेंस जो भी ग्रिड सर्विस हैंडल का है उसको ग्रिड सर्विस रेफरेंस में उस चीज को जो है सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करना होता है देन ग्रिड सर्विस एंड डब्ल्यू एस डी एल एक्सटेंशन ए ग्रिड सर्विस इज़ ए डब्ल्यू एस डी एल डिफाइंड सर्विस दैट कन्फर्म्स टू एट ऑफ कन्वे रिलेटिंग टू इट्स इंटरफेस डेफिनेशन एंड बिहेवियर जो ग्रिड सर्विस होती है ये एक डब्ल्यू डी एस एल डिफाइंड सर्विस होती है जो कि कन्फर्म करती है टू ए सेट ऑफ कन्वे रिलेटिंग टू इट्स इंटरफेस डेफिनेशन एंड बिहेवियर दैन सो एवरी ग्रिड सर्विस इज ए वेब सर्विस सो जितनी भी ग्रिड सर्विसेज से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो सारी के सारी वेब सर्विसेज हैं दो द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नोट हालांकि हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग अगर इनके हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं इस स्टेटमेंट की ये एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं है देन डब्ल्यू एस डी एल एक्सटेंशन एंड कन्वेंशंस अब इसमें क्या कह रहा है ओ जी एस आई इज़ बेस्ड ऑन वेब सर्विसेज जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओ जी एस आई के रिगार्डिंग ये जो है वेब सर्विसेज के बेस्ड है इट यूज़ डब्ल्यू एस डी एल एज़ द मैकेनिज्म टू डिस्क्राइब द पब्लिक इंटरफेसिस ऑफ ग्रिड सर्विसेज इसको हम लोग यूज़ करते हैं इट यूज़ डब्ल्यू एस डी एल ये डब्ल्यू एस डी एल को यूज़ करता है एज ए मैकेनिज्म टू डिस्क्राइब द पब्लिक इंटरफेसिस ताकि पब्लिक के इंटरफेसिस को हम लोग डिस्क्राइब कर सकें जो कि ग्रिड सर्विसेज के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं देन हा ओवर डब्ल्यू एस डी एल वन पॉइंट वन इज़ डेफिशियंट इन टू क्रिटिकल एरियाज़ अगर इनके हम लोग डब्ल्यू एस डी एल वन पॉइंट वन वर्जन की बात करते हैं ये एक डेफिशिएंट है दो एरियाज़ में इसके अंदर डेफिशिएंसीज़ हैं फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ इंटरफेस पोर्ट टाइप एक्सटेंशन एंड द inability टू डिस्क्राइब additional information एलिमेंट्स ओन ए पोर्ट टाइप अब यहाँ पे क्या कह रहा है? लैक ऑफ इंटरफेस port टाइप जो इसका पोर्ट टाइप का इंटरफेस है उसकी यहाँ पे जो है लैकिंग है देन इंटरफेस जो है पोर्ट टाइप है अब उसकी कौन सी इंटरफेस एक्सटेंशन एंड द इनबिलिटी टू डिस्क्राइब एडिशनल इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स ऑन ए पोर्ट टाइप देन दीज डेफिशंसिस हैव बीन एड्रेस्ड बाय द डब्ल्यू थ्री सी और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन वर्किंग ग्रुप और वी कैन से डब्ल्यू एस डी एल वन पॉइंट टू ड्राफ्ट सो so, इस टाइप की जो भी डेफिशंसिस हैं इन सब के रिगार्डिंग जो पूरी की पूरी एड्रेसिंग मार्किंग कर रखी है डब्ल्यू थ्री सी ने वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन वर्किंग ग्रुप ने वो डब्ल्यू एस डी एल वन पॉइंट टू ड्राफ्ट के अंडर हम लोग देख सकते हैं चेक कर सकते हैं देन ग्रिड सर्विस ए स्टेटफुल वेब सर्विस अगर हम लोग जो हैं सर्विस डाटा कॉन्सेप्ट का देखते हैं इसमें जो ग्रिड सर्विस है एक स्टेटफुल वेब सर्विस होती है

अपडेट एंड चेंज नोटिफिकेशन जो भी इसमें जैसे सर्विस के रिक्वेस्टर्स होते हैं रिगार्डिंग क्वेरी के या फिर अपडेट के रिगार्डिंग या फिर चेंज नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग देन सिंस दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू एनी वेब सर्विस इंक्लूडिंग दोज यूज आउटसाइड द कॉन्टेक्सट ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबल है किसी भी वेब सर्विस के इंक्लूडिंग दोज यूज आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस किसके साथ में इंक्लूड करके यूज दो यूज आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस जो कि इसके कॉन्टेक्स्ट के बाहर से जो कि ग्रिड एप्लीकेशन का है एक कॉमन अप्रोच टू एक्सपोजिंग वेब सर्विस स्टेट डाटा कार्ड सर्विस डाटा कैन बी प्रपोज अब यहाँ पे कॉमन इसकी अप्रोच क्या है टू एक्सपोजिंग वेब सर्विस स्टेट डाटा है वो क्या है सर्विस डाटा जिसको कि हम लोग इस नाम से प्रपोज कर सकते हैं

या फिर हम लोग एस टी सीज या फिर इस पोर्ट टाइप के साथ में एसोसिएटेड है उनको जो है डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं सो दीज सर्विस डाटा एलिमेंट एल डेफिनेशंस आर रेफर टू एज सर्विस डाटा डेक्लेशन और एस टी डीज़ सो इस टाइप की जो भी सर्विस डाटा एलिमेंट की डेफिनेशनस हैं इनको हम लोग रेफर करते हैं एज सर्विस डाटा डेक्लेशन और एस टी डीज़ अनीशियल वैल्यूज़ फॉर दोज सर्विस डाटा एलिमेंट्स मे बी स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टैटिक डाटा एलिमेंट सो so, जो भी इनिशियल वैल्यूज हैं फॉर दो सर्विस डाटा एलिमेंट्स उन सर्विस डाटा एलिमेंट्स के अगार्डिंग मे बी स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टैटिक डाटा एलिमेंट वेदर डिक्लेयर स्टैटिकली इन द पोर्ट टाइप और असाइन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द वेब सर्विस इंस्टांस आर कार्ड सर्विस डाटा एलिमेंट वैल्यूज और एस टी वैल्यूज जिनको कि हम लोग जो हैं सर्विस डाटा एलिमेंट वैल्यूज और एस टी वैल्यूज के नाम से कॉल करते हैं नेक्स्ट कम्स स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विस डाटा डेक्लेशंस अब यहाँ पे जो सर्विस डाटा है इज मॉडल्ड इन द ओ जी एस आई डिफाइंड नेम स्पेस एट्रीब्यूट जो सर्विस डाटा है इसको हम लोगों ने मॉडल किया हुआ है ओ जी एस आई में जो कि डिफाइंड है नेम स्पेस एट्रीब्यूट के नाम से सिंस एस टी कॉलन सर्विस डाटा डेक्लेन्स आर डिफाइनिंग एक्सएमएल एलिमेंट्स दैट मे अपीयर इन एस डी कॉलन सर्विस डाटा वैल्यूज एंड एस डी कॉलन सर्विस डाटा इज मॉडल्ड आफ्टर द एक्स एम एल स्कीमा डेफिनेशन ऑफ एक्स एस डी एलिमेंट जब से एस टी कॉलन सर्विस डाटा डेक्लेन्स हुई हैं आर डिफाइनिंग एक्सएमएल एलिमेंट्स ये डिफाइन करते हैं एक्सएमएल एलिमेंट्स को दैट मे अपेयर इन एस टी जो किसके अंदर अपेयर होती हैं सर्विस डाटा वैल्यू में जिसको कि हम लोग एस टी कॉलन सर्विस डाटा वैल्यू के नाम से कॉल करते हैं और एस टी कॉलन सर्विस डाटा इज मॉडल्ड आफ्टर द एक्स एम एल स्कीम डेफिनेशन ऑफ एक्स एस डी एलिमेंट देन द एस टी कॉलन सर्विस डाटा एलिमेंट यूज फाइव एट्रीब्यूट विद द सेम इंटरप्रिटेशन जो एस टी कॉलन सर्विस डाटा एलिमेंट है इसको हम लोग यूज करते हैं या ये यूज़ करता है फाइव एट्रीब्यूट्स को विद द सेम इंटरप्रिटेशन एज एक्स एस डी कॉलन एलिमेंट एट्रीब्यूट डू नॉट मेक सेंस विद इन द कॉन्टेक्सट ऑफ एस टी कॉलन सर्विस डाटा देन स्ट्रक्चर ऑफ सर्विस डाटा डिक्लेशन कॉन्टिन्यू द एस टी कॉलन सर्विस डाटा एलिमेंट आल्सो अलाउस टू एडिशनल एलिमेंट्स अब जो सर्विस डाटा एलिमेंट है या एस टी के अंडर जो आ रहा है ये अलाउ करता है दो एडिशनल एलिमेंट्स को फर्स्ट वन इज म्यूटेबिलिटी सेकेंड इज मॉडिफाइबल अब देन द सर्विस डाटा मेट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं अब वो इंक्लूड करते हैं मैक्स अकर्स जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है देन स्लैश अनबाउंडेड है जिसमें डिफॉल्ट टू वन जो है वैल्यू असाइन होती है देन मिनिमम अकर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉलन डिफॉल्ट टू वन न सेम वैसे जो नेम है एनसी नेम एंड टारगेट नेम स्पेस देन नीलेबल बुलियन कॉलन डिफॉल्ट टू फॉल्स टाइप इज इक्वल टू क्यू नेम मॉडिफाइबल इज इक्वल टू बुलियन डिफॉल्ट टू फॉल्स देन म्यूटेबिलिटी म्यूटेबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रैटिक स्लैश कॉन्स्टेंट स्लैश एक्सटेंसेबल एक्सटेंडेबल देन म्यूटेबल कॉलन डिफॉल्ट टू एक्सटेंडेबल

विद ए कलेक्शन ऑफ सर्विस डाटा एलिमेंट्स के साथ में दो सर्विस डाटा एलिमेंट्स डिफाइंड विद इन द वेरियस पोर्ट टाइप्स दैट फॉर्म द सर्विसज इंटरफेस एंड आल्सो पोटेंशियली एडिशनल सर्विस डाटा एलिमेंट्स एडेड एट रन टाइम सो जितनी भी हर सर्विस इंस्टान जो है एसोसिएटेड है किसके साथ में कलेक्शन ऑफ सर्विस डाटा एलिमेंट्स के साथ में जो वो सर्विस डाटा एलिमेंट्स जो कि डिफाइंड है विद इन द वेरियस पोर्ट टाइप्स बहुत सारे पोर्ट टाइप्स में डिफाइंड है दैट फॉर्म द सर्विसेज इंटरफेस एंड आल्सो जो कि इंटरफेस बनाते हैं और क्या करते हैं आज पोटेंशली एडिशनल सर्विस डाटा एलिमेंट्स एडेड एट रन टाइम इवन कि बहुत सारे जो हैं पोटेंशली एडिशनल सर्विस डाटा एलिमेंट जो है रन टाइम पर भी एड होते हैं सो वी कॉल द सेट ऑफ सर्विस डाटा एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद सर्विस इंस्टांस सो हम लोग जो हैं सेट ऑफ सर्विस डाटा एलिमेंट्स जो कि इसके साथ में एसोसिएटस हैं हम लोग उनको जो है इस नाम से कॉल कर सकते हैं अब ये एसोसिएटेड किसके साथ में विद ए सर्विस इंस्टांस इट्स सर्विस डाटा सेट जो कि सर्विस डाटा सेट एक सर्विस के साथ में एसोसिएटेड होते हैं नेक्स्ट कम्स एस टी एग्रीगेशन विद ए पोर्ट टाइप इंटरफेस हरार अब इसमें क्या है ए पोर्ट टाइप कैन एक्सटेंड और मोर अदर पोर्ट टाइप्स बहुत सारे और भी पोर्ट्स को ये एक्सटेंड कर सकता है द सेट ऑफ पोर्ट टाइप्स इम्प्लीमेंट बाय द सर्विस इज ड्राइव थ्रू द पोर्ट एलिमेंट चिल्ड्रन ऑफ द सर्विस एलिमेंट जो इसका सेट ऑफ पोर्ट टाइप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन है बाय द सर्विस इज ड्राइव थ्रू द पोर्ट एलिमेंट चिल्ड्रन ऑफ द सर्विस एलिमेंट एंड बाइंडिंग एलिमेंट्स रेफर टू फ्रॉम दोज पोर्ट एलिमेंट्स जो कि उस पोर्ट एलिमेंट से रेफर करते हैं सो दिस सेट ऑफ पोर्ट टाइप्स एंड ऑल पोर्ट टाइप्स दे एक्सटेंड डिफाइन्स द कम्प्लीट इंटरफेस टू द सर्विस सो इस टाइप की जो पोर्ट टाइप्स होते हैं और जो दूसरे पोर्ट टाइप्स हैं ये एक्सटेंड करते हैं और डिफाइन करते हैं कंप्लीट इंटरफेस टू द सर्विस किस को करते हैं जो कि उस सर्विस के लिए कम्प्लीट एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है देन डायनामिक सर्विस डाटा एलिमेंट्स अब यहाँ पे डायनामिक सर्विस डाटा एलिमेंट्स क्या हैं ऑल दो मैनी सर्विस डाटा एलिमेंट्स आर मोस्ट नैचुरली डिफाइंड इन ए सर्विस इंटरफेस डेफिनेशन हालाँकि बहुत सारे सर्विस डाटा एलिमेंट्स हैं जो कि मोस्ट नैचुरली डिफाइन है इन ए सर्विसज इंटरफेस डेफिनेशन सिचुएशन कैन अराइज वेअर इट इज़ यूजफुल टू एड और रिमूव सर्विस डाटा एलिमेंट्स इस टाइप के सिचुएशन अराइज हो सकते हैं जहाँ पे कि हम लोग देखते हैं इट इज़ यूजफुल टू एड और रिमूव सर्विस डाटा एलिमेंट्स डायनामिकली जहाँ पे कि डायनामिकली होता है टू और फ्रॉम एन इंस्टांस जहाँ फिर उसमें और जहाँ से कि फ्रॉम एन इंस्टांस इंस्टांस से ये सारा का सारा जो है हम लोग देखते हैं यूजफुल हो सकता है इन सब सर्विसेज के लिए द मीन्स बाई विच सच अपडेट्स आर अचीव्ड इज़ इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक अब जो मीन्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है इस टाइप के अपडेट्स को अचीव करते हैं वो क्या है इज इंप्लीमेंटेशन स्पेसिफिक फॉर एग्जाम्पल ए सर्विस इंस्टांस मैनी इंप्लीमेंट ऑपरेशन फॉर एडिंग ए न्यू सर्विस डाटा एलिमेंट So, इसमें जो है हम लोग देखते हैं सर्विस इंस्टांस है वो बहुत सारे क्या करते हैं मे इंप्लीमेंट ऑपरेशन फॉर एडिंग ए न्यू सर्विस डाटा एलिमेंट देन सर्विस एंड सर्विस इंस्टांस ए ग्रिड सर्विस डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स हाउ ए ग्रिड इंटरेक्ट्स विद सर्विस इंस्टांसिस अब जो ग्रिड सर्विस डिस्क्रिप्शन है ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे एक क्लाइंट जो है इंटरेक्ट करता है किसके साथ में सर्विस इंस्टांस के साथ में दिस डिस्क्रिप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्टांस अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये इंडिपेंडेंट है ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए देन विद इन ए डब्ल्यू एस डी एल डॉक्यूमेंट द ग्रिड सर्विस डिस्क्रिप्शन इज एम्बॉडिड इन मोस्ट ड्राइव्ड पोर्ट टाइप अब इसके साथ में ही क्या है ये जो डब्ल्यू एस डी एल डॉक्यूमेंट है द ग्रिड सर्विस डिस्क्रिप्शन है इज एम्बॉडिड इन द मोस्ट ड्राइव्ड पोर्ट टाइप ट इज द पोर्ट टाइप रेफरेंसड बाई द डब्ल्यू एस डी एल जो कि पोर्ट जो रेफरेंसड है किसके थ्रू है डब्ल्यू एस डी एल सर्विस एलिमेंट्स पोर्ट चिल्ड्रन के थ्रू देन ये कैसे वर्क कर रहा है बाइंडिंग एलिमेंट्स का देन डिस्क्राइबिंग द सर्विस जो कि डिस्क्राइब करता है सर्विस को किसको ऑफ द इंस्टांस अलॉन्ग विद इट्स एसोसिएटेड पोर्ट टाइप्स जो भी इसके साथ में एसोसिएटेड पोर्ट टाइप्स हैं उनके साथ में ये डिस्क्राइब करता है सर्विस को देन अब पोर्ट टाइप्स में क्या है इंक्लूडिंग सर्विस डाटा डेक्लेशंस जो भी सर्विस डाटा के डेक्लोरेशन हैं देन बाइंडिंग्स हैं मैसेजेस हैं टाइप्स डेफिनेशन हैं वो सारे के सारे ही इसमें जो है एसोसिएटेड होती हैं सो नेक्स्ट कम्स मॉडलिंग टाइम इन ओ अब यहाँ पे मॉडलिंग टाइम का क्या है देन द जी एम टी ग्लोबल टाइम स्टैंडर्ड इज़ अज्यूम्ड फॉर ग्रिड सर्विसेज जो इसका जी एम टी ग्लोबल टाइम स्टैंडर्ड है ये हम लोग क्या करते हैं इज़ अज्यूम्ड फॉर ग्रिड सर्विसेज बेसिकली ये ग्रिड सर्विसेज के लिए एज्यूम किया जाता है जो क्या करते हैं अलाउिंग ऑपरेशन टू रेफर अनएम्बिग्य टू एप्सोलूट टाइम्स अलाउ करता ऑपरेशन को ताकि हम लोग रेफर कर सकें अनएम्बिग्य टू एब्सोल्यूट टाइम्स को ग्रिड सर्विस होस्टिंग एनवायरमेंट एंड क्लाइंट्स शुड यूटिलाइज द नेटवर्क टाइम जोन प्रोटोकॉल सो ग्रिड सर्विस की जो भी होस्टिंग का एन्वायरमेंट होता है इवन कि क्लाइंट्स होते हैं उनको नेटवर्क टाइप प्रोटोकॉल को यूटिलाइज करना चाहिए और इक्वल एंड फंक्शन टू सिंग्रोनाइज दियर क्लॉक्स टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड जी एम टी टाइम और इवन की जो भी इसकी इक्वेलेंट फंक्शन है ताकि सिंक्रोनाइजेशन हो सके पूरी की पूरी क्लॉकवाइज किसके साथ में टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड जीएमटी टाइम के साथ में इंटरफेस नेमिंग एंड चेंज मैनेजमेंट अब यहां पे जो हम लोग इंटरफेस नेमिंग की बात करते हैं सो एक क्रिटिकल इशू इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज एनेबलिंग द अपग्रेड ऑफ सर्विसेज ओवर टाइम जो भी क्रिटिकल इशू होता है जिसमें इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इज़ अनेबलिंग द अपग्रेड ऑफ सर्विसेज ओवर टाइम अब यहाँ पे क्या है दिस रिक्वायरमेंट एम्प्लाइज इन टर्म दैट क्लाइंट्स नीड टू बी एबल टू डिटर्मिन वेन सर्विसज हैव चेंज देयर इंटरफेस एंड और इम्प्लीमेंटेशन सो इस टाइप की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या करते हैं इम्प्लाई करते हैं इन टर्म दैट क्लाइंट्स नीड टू बी एबल टू डिटर्मिन ताकि जो हैं क्लाइंट्स को ये रिक्वायर्ड हो कि उनको डिटर्मिन करना है वैन सर्विसज हैव चेंज देयर इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन कब उसकी सर्विसज चेंज हुई हैं देयर इंटरफेसेज चेंज हुए हैं और इम्प्लीमेंटेशन चेंज हुई है देन दिस इशू एंड सम ओ जी एस आई मेकानिज़म रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस दैट एड्रेस इट सो जो भी इस टाइप के इश्यूज़ हैं या फिर कुछ एक जो है ओ जी एस आई मेकनिजम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं रिकमेंडेशनस हैं जो इसको एड्रेस करती हैं वो कौन कौन सी हैं आर द इंटरफेस स्पेसिफिकेशन जो इसके इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन है दैन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस उसी इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन देन नेक्स्ट कम्स नेमिंग ग्रिड सर्विस इंस्टांसिस ईच ग्रिड सर्विस इंस्टांसिस नेम्ड ग्लोबली एंड फॉर ऑल टाइम हर ग्रिड सर्विस का इंस्टांस जो भी होता है जो उसको नाम देते हैं वो क्या है एक ग्लोबली होता है फॉर ऑल टाइम हर टाइम के लिए बाय किसके थ्रू बाय वन और मोर ग्रिड सर्विस हैंडल्स किसके थ्रू एक या फिर जो एक से ज़्यादा जितने भी ग्रिड सर्विस हैंडल्स होते हैं उनके थ्रू देन ए जी एस एच इज़ जस्ट ए मिनिमल नेम इन द फॉर्म ऑफ यू आर आई जो जी एस एच होता है ये क्या इज़ जस्ट ए मिनिमम नेम एक एक छोटा सा क्या है एक मिनिमम नेम होता है इन द फॉर्म ऑफ यू आर आई एक यू के फॉर्म में होता है एंड डज नॉट कैरी इनफ इन्फॉर्मेशन टू अलाउ ए क्लाइंट और ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करता टू अलाउ ए क्लाइंट विशिंग टू कम्युनिकेट विद अर सर्विस इंसटांस और ये क्या करता है किसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन को गेन कर रहा है टू अलाउ ए क्लाइंट विशिंग टू कम्युनिकेट जो भी क्लाइंट इसके साथ में कम्युनिकेट करना चाहता है किस सर्विस के साथ में विद अर सर्विस इंस्टांस मस्ट रिजॉल्व द जी टू ए ग्रिड सर्विस रेफरेंस देन ए जी एस आर कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन दैट ए क्लाइंट रिक्वायर्स टू कम्युनिकेट विद द सर्विस इंस्टांस अब जो जी एस आर है क्या होता है ये इसमें इट कंटेन्स ऑल द इंफॉमेशन इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है दैट ए क्लाइंट रिक्वायर्स टू कम्युनिकेट विद द सर्विस इंस्टांस जो भी उसके क्लाइंट के लिए रिक्वायर्ड होती है किसके लिए टू कम्युनिकेट विद द सर्विस इंस्टांस ताकि सर्विस इंस्टांस के साथ में कम्युनिकेट कर सके किसके थ्रू करेगा वाया वन और मोर नेटवर्क प्रोटोकॉल बाइंडिंग्स एक या फिर एक से ज्यादा जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल बाइंडिंग्स के थ्रू ये वर्क करेगा देन ग्रिड ग्रिड सर्विस सर्विस हैंडल्स हैंडल्स अब grid service handles कौन कौन से हैं जी एस एच मस्ट बी ए वैलिड जू आर आई जो जी एस एच है या फिर ग्रिड सर्विस हैंडल है एक वैलिड यू आर आई होना चाहिए देन जी एस एच मस्ट ग्लोबली एंड और ऑल टाइम रेफर टू द सेम ग्रिड सर्विस इंस्टांस जो जी एस एच है it should be इट शुड भी इट शुड भी ग्लोबली एंड आल्सोल टाइम रेफर टू द सेम ग्रिड सर्विस इंस्टांस ए ग्रिड सर्विस इंस्टांस मस्ट हैव एट लीस्ट वन जी एस एच हर घर ग्रिड सर्विस इंस्टांस के अंदर जो एट लीस्ट एक जी एस एच होना चाहिए जी एस एच या फिर ग्रिड सर्विस हैंडल होना चाहिए दैन ए ग्रिड सर्विस इंस्टांस मे हैव मल्टीपल जी एस एच दैट यूज द सेम यू आर आई स्कीम जो कि सेम यू आर आई स्कीम को यूज़ करेंगे इफ़ इट इज़ अलाउड बाई दैट यू आर आई स्कीम्स अगर इनके केस ये उसकी स्कीम्स के थ्रू अलाउड है देन ए ग्रिड सर्विस इंस्टांस मे हैव मल्टीपल जी एस एच दैट यूज़ द सेम यू आर आई स्कीम अब जो इसमें ग्रिड सर्विस इंस्टांस है इसको क्या हो सकता है मे हैव मल्टीपल जी एस एच इसके पास में मल्टीपल जी एस एच हो सकते हैं जिनको की दैट यूज़ द सेम यू आर आई स्कीम जो यूज़ करते हैं सेम यू आर आई स्कीम को इफ़ इट इज़ अलाउड बाय दैट यू आर आई स्कीम अगर इनकेस उसके लिए रिक्वायर्ड है देन द ग्रिड सर्विस हैंडल सर्विस डाटा एलिमेंट वैल्यूज ऑफ ए ग्रिड सर्विस इंस्टांस मस्ट कंटेन ओनली जी एस एच दैट रेफर टू दैट इंस्टांस इफ टू और मोर जी एस एच आर कंटेन इन ए ग्रिड सर्विस इंस्टांस ग्रिड सर्विस हैंडल एस टी ई वैल्यूज देन दे मस्ट ऑल रेफर टू दैट सेम ग्रिड सर्विस इंस्टांस अगर इनकेस दो या फिर उससे ज़्यादा जो जी एस एच हैं आर कंटेंड इन ए ग्रिड सर्विस इंस्टांस ग्रिड सर्विस हैंडल एच डी वैल्यूज तब क्या है दे मस्ट ऑल रेफर टू दैट सेम ग्रिड सर्विस इंस्टांस सो इसको जो है सेम ग्रिड सर्विस इंस्टांस के साथ में रेफर करना पड़ेगा देयर मे बी मल्टीपल जी एस एस दैट रेफर टू द सेम ग्रिड सर्विस इंस्टांस यहाँ पे जो है बहुत सारे जी एस एस हो तो सकते हैं जो कि सेम ग्रिड सर्विस इंस्टांस को रेफर करते हैं देन देयर में बी मल्टीपल जीएसआर टू द सेम ग्रिड सर्विस इंस्टांस अब यहां पर हम लोग देखते हैं बहुत सारे जी एस आर्स हो सकते हैं जो कि रेफर करते हैं सेम गांस के लिएकल ऑफ ग्रिड सर्विस इंस्टांस अब इसमें क्या है द लाइफ साइकिल ऑफ एनी ग्रिड सर्विस इंस्टांस इज डिमारेटेड बाई द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट सर्विस इंस्टांस अब जो इसका लाइफ साइकिल है किसी भी ग्रिड सर्विस का इंस्टांस हो, का होता है इज़ डिमार्केटेड बाय द क्रिएटेड क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट सर्विस इंस्टांस सो द एक्चुअल मैकेनिज्म्स बाय विच ए ग्रिड सर्विस इंस्टांस इज़ क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड आर फंडामेंटली ए प्रॉपर्टी ऑफ द होस्टिंग एनवायरमेंट जो एक्चुअल मैकेनिज़म होता है जिसके थ्रू एक ग्रिड सर्विस इंस्टांस जो है क्रिएट होता है और डिस्ट्रॉय होता है आर फंडामेंटली ए प्रॉपर्टी ऑफ द होस्टिंग एनवायरनमेंट ये क्या होता है एक फंडामेंटली एक प्रॉपर्टी होता है किसकी होस्टिंग एनवायरनमेंट की होती है देन नेक्स्ट कम्स फैक्ट्री पोर्ट टाइप अब फैक्ट्री पोर्ट टाइप में क्या है ए फैक्ट्री इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और पैटर्न फैक्ट्री एक एब्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है या फिर पैटर्न होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू ए ग्रिड सर्विस सिंस्ट जो कि ग्रिड सर्विस इंस्टांस के कॉरस्पॉन्ड होता है दैट इज़ यूज बाय अ क्लाइंट जो कि क्लाइंट के थ्रू यूज होता है टू क्रिएट अनदर ग्रिड सर्विस इंस्टांस ताकि दूसरी जो है ग्रिड सर्विस इंस्टांस क्रिएट हो सके ए फैक्ट्री मे बी ए ग्रिड सर्विस इंस्टांस दैट इंप्लीमेंट्स द डॉक्यूमेंट सेंट्रिक फैक्ट्री पोर्ट टाइप फैक्ट्री जो है मे बी ए ग्रिड सर्विस इंस्टांस ये ग्रिड सर्विस इंस्टांस हो सकता है जो कि इंप्लीमेंट करता है डॉक्यूमेंट सेंट्रिक फैक्ट्री पोर्ट टाइप को और एक ग्रिड सर्विस इंस्टांस दैट इम्प्लीमेंट ए मोर स्पेश्ड फैक्ट्री ऑपरेशन जो इम्प्लीमेंट करता है बहुत सारे स्पेशलाइज फैक्ट्री ऑपरेशन को सो नाउ वी हैव सम क्वेश्चन इन एक्सरसाइज इन द एक्सरसाइजेजमेंट क्वेश्चन आर वट आर द क्लाइंट प्रोग्रामिंग पैटर्न दैन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज मॉडलिंग टाइम इन ओ जी एस आई सो क्लाइंट एड प्रोग्रामिंग पैटर्न क्या है और मॉडलिंग टाइम क्या है ओ जी एस ए में एज वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स इन द इन दिस सेशन सो दीज एक्सरसाइज आर वेरी इजी टू अटैप्ट नाउ दैट्स ऑल फॉर टूडे सेशन हैप्पी लर्निंग वी लर्निंग